सपना होना चाहिए सर। और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला ड्रीम, और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नरक बना दिया जाएगा पक्का, क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। मैं तो मोदी जी से कभी मिला नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें सब जानते हैं, तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन सपना रहा होगा सर, क्योंकि अगर वो कह देते तो वही नीचे उखाड़ के फेंक दिए जाते। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साय को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, थ्री इडियट में दिखाया नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। यह सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। मैं उसे दूसरी तरह से हैंडल कर लेता हूं। जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया कि अवध ऑडी ली है, अच्छा आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते, पता लगा मैं देखने आया। मैंने कहा ये रेड कलर की ऑडी, अबे इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, रेड भिगमंगो का कलर है, हड़ाऊंगे मेरे सामने। अब मुझे अब आंतरिक स्थिति मेरी क्या है कि मुझे दुख हो रहा है। माने हुए सर हम कि भाई तुमने ऑडी खरीद ली, हम अभी वैगनार पे टिके हुए हैं, तुम में इतने आगे बढ़ गए और तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? तुम दिखाने नहीं आए हो, जलाने आए हो। क्या जरूरत है दिखाने की? जैसे लोग जब घर बनवाते हैं घर भोज करते हैं, अब डायरेक्टली कैसे बुलाएंगे कि भाई साहब मेरा घर देख लीजिए भाई साहब ना, तो घर भोज करेंगे। और अगर 10 20 50 100 करोड़ का बनाया तब तो अरे अंदर तक ले जाएंगे कि ये देखिए ये किचन की टाइल्स देखिए, ये वॉशरूम की टाइल देखिए, यहां अंदर भी इंसान नजर आता है, इटली से आई है, एक टाइल 5 लाख। अब नहीं बताएंगे, खुद से बताएंगे। दिखा रहे हो, ये हम सबकी प्रवृत्ति है सर। तुम्हारा सपना किसी को पता नहीं चलना चाहिए।